पिछले एपिसोड में हमने देखा जिन और जैक गेम की उस अद्भुत दुनिया की पहेलियों में उलझते चले जा रहे थे, वहीं भूतकाल में येवेंजी एलियंस से संपर्क करने में कामयाब हो चुकी थी, लेकिन उसे एलियंस से एक ऐसा मैसेज मिला था जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। अगर आपने कहानी का पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब आगे, दिन ब दिन हो रहे साइंटिस्ट्स की आत्महत्याओं के केस में आज एक अजीब सा केस और जुड़ गया था। डिटेक्टिव क्लेरेंस घटना स्थल पर पहुंच चुका था। यह घटना स्विट्जरलैंड के एक न्यूक्लियर रिसर्च लैब में हुई थी, जहां एक साइंटिस्ट ने बाथटब में अपना ही सर डुबोकर अपनी जान ले ली थी। पर आखिर कोई खुद पानी में अपना सिर डुबोकर अपनी जान कैसे ले सकता था, ये बात क्लेरेंस को मन ही मन परेशान कर रही थी। तभी वहां छानबीन के दौरान क्लेरेंस को उस साइंटिस्ट का एक लॉकर दिखा जो खुला हुआ था। क्लेरेंस ने जब लॉकर के अंदर देखा तो उसके अंदर वही गेमिंग हेडसेट था जिसकी क्लेरेंस को कई दिनों से तलाश थी। इसी दौरान दूसरी ओर ऑगी और उसके दोस्तों को भी उस साइंटिस्ट की खुदकुशी की खबर मिल चुकी थी। वे सभी जैक के घर पर बैठे उस साइंटिस्ट की मौत पर चर्चा कर रहे थे। इसी बीच ऑगी जैक के आलिशान घर में घूमते हुए उसके बेडरूम में आ गई। वहीं ऑगी को जैक का गेमिंग हेडसेट मिला। ऑगी को जिन से पता चला था कि वेरा मरने से पहले ऐसे ही हेडसेट में कोई गेम खेला करती थी, पर उसे ये नहीं पता था कि जिन और जैक भी उस गेम को खेल रहे थे। ऑगी ने उस हेडसेट को पहन लिया जिससे वो गेम की दुनिया में पहुंच गई, लेकिन तभी तलवार लिए वो लड़की ऑगी के पीछे आ गई और ये कहकर कि तुम्हें इस गेम में इनवाइट नहीं किया गया है, उसने ऑगी का सिर काट दिया। ऑगी ने फौरन उस हेडसेट को उतार दिया और उसे लेकर बाहर आ गई। उसने जैक से उस हेडसेट के बारे में पूछा। इस पर जैक ने बताया कि वो और जिन काफी समय से उस गेम को खेल रहे थे। ये सुनते ही ऑगी ने चिढ़कर उनसे कहा, तुम लोग जानते हो ना कि इस गेम को खेलने के बाद ही वेरा ने खुदकुशी की थी, इसके बावजूद भी तुम लोग ये गेम कैसे खेल सकते हो? इस गेम में किसी ने मेरा सिर काट दिया था। इस पर जैक ने कहा, इस गेम को कोई तभी खेल सकता है जब उसे इनवाइट किया गया हो, वरना वो लड़की उसका सिर काट देती है। जैक की इस बात ने जिन के मन में एक सवाल खड़ा कर दिया। उसने कहा, मुझे तो इस गेम में किसी ने इनवाइट नहीं किया था, और ये हेडसेट भी वेरा का है जिसे वेरा की माँ ने मुझे दिया था, फिर मैं उस गेम को कैसे खेल पा रही हूँ? जिन की इस बात ने सारे लोगों को सोच में डाल दिया। तभी ऑगी ने जैक से पूछा, तुम्हें ये हेडसेट कहाँ से मिला और तुम्हें किसने और कैसे इनवाइट किया था? इस पर जैक ने बताया, ये हेडसेट एक इनविटेशन के साथ कोई अनजान शख्स मेरे घर पे छोड़ गया था। वैसे तो मेरे घर पे हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन उनमें इस हेडसेट को यहाँ लाने वाले शख्स का कोई वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। इस पर ऑगी ने कहा, तब तो हो सकता है ये उसी लड़की का काम हो जिसने मुझे सितारों के जलने बुझने वाली बात बताई थी, क्योंकि उस वक्त भी उस लड़की ने खुद को सीसीटीवी फुटेज से मिटा दिया था। हो ना हो वेरा की मौत का, तारों के जलने बुझने का और इस हेडसेट का आपस में जरूर कोई संबंध है। ऑगी और बाकी लोगों ने सॉल से इस बारे में राय मांगी। इस पर सॉल ने कहा, इस हेडसेट का संबंध बाकी घटनाओं से हो सकता है। जहां तक मेरा अंदाजा है, ये हेडसेट डायरेक्ट हमारे दिमाग से जुड़ जाता है और हमारे दिमाग में ही गेम की दुनिया बना देता है। यहां तक कि ये हमारे सारे सेंसेस को भी कंट्रोल कर लेता है, जिससे हम उस गेम की दुनिया में भी किसी चीज की स्मेल को, टेस्ट को और साथ ही ठंडी और गर्मी को भी महसूस कर पाते हैं। अगर ये हेडसेट हमारे दिमाग को इस हद तक कंट्रोल कर सकता है, तो जरूर इसने किसी तरह वेरा के दिमाग पर भी काबू कर लिया होगा और उसे खुदकुशी करने के लिए उकसाया होगा, क्योंकि वेरा जैसी होनहार इंसान खुदकुशी तो बिल्कुल नहीं कर सकती थी। ये सुनकर ऑगी ने जिन और जैक को वो गेम खेलने से मना किया, पर जिन और जैक के सिर पर तो जैसे उस गेम को कंप्लीट करने का भूत सवार था। जिन बार बार उस गेम को खेलकर सूरज की चाल को समझने की कोशिश कर रही थी। जिन ने वीडियो कॉल पर जैक को अपनी सारी रिसर्च दिखाई। वहीं दूसरी ओर डिटेक्टिव क्लेरेंस भी अपने कंप्यूटर पर उन्हें देख रहा था और उनकी सारी बातें भी सुन रहा था। अपनी रिसर्च दिखाकर जिन ने जैक से कहा, अच्छा होता अगर इस गेम में टू प्लेयर मोड होता, तब तो हम साथ मिलकर इस गेम की पहेली को हल कर सकते थे। इस पर जैक ने कहा, फिर ट्राई करने में क्या हर्ज है, हम एक साथ हेडसेट पहनकर एक दूसरे को गेम में इमेजिन करके देखते हैं, शायद इससे हम टू प्लेयर मोड में आ जाएं। उन दोनों ने वैसा ही किया और वे दोनों एक साथ एक ही गेम में आ गए। वो गेम का लेवल 2 था। इस बार वो गेम उन्हें पुराने समय के इटली में ले आया था, जिससे वे दोनों ही वाकिफ थे। उनके सामने पुराने समय का एक चर्च था। वहीं उन्हें वो फॉलोवर बच्ची भी मिली जो हर बार उनके गेम में होती थी। वो बच्ची वहां सेब जमा कर रही थी। उस बच्ची ने जिन से कहा, मुझे याद है कि मैं गेम में हर बार मारी जाती हूँ,
और तुम मुझे कभी बचा नहीं पाती, इस बार तो तुम मुझे बचा लोगी ना। ये सुनकर जिन आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि वो बच्ची तो सिर्फ गेम की एक कैरेक्टर थी, फिर उसे हर बार की बातें कैसे याद हो सकती थी। हालांकि जिन और जैक के पास समय कम था, इसलिए उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उस बच्ची से एक सेब लेकर चर्च में आ गए। उस चर्च में उनकी मुलाकात पोप ग्रेगरी से हुई, जो उस वक्त इटली के शासक थे। वहीं पर दो प्लेयर और मौजूद थे, जो जिन और जैक की तरह ही उस गेम को खेल रहे थे। वे दोनों पहले ही पोप के आगे सूरज की चाल को समझने की अपनी थ्योरीज पेश कर चुके थे। इतने में ही जिन ने पोप को अपनी थ्योरी बतानी शुरू की। जिन ने बताया, मैंने देखा है कि इस दुनिया में सूरज का आकार कभी एक समान नहीं होता। यहाँ सूरज कभी बहुत ज्यादा दूर चला जाता है तो कभी बहुत ज्यादा पास आ जाता है। और तो और, मैंने आसमान में सूरज के अलावा दो और ऐसे स्टार्स देखे हैं जिनकी चमक नॉर्मल स्टार से कहीं ज्यादा है। इन सब चीजों से मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि ये प्लेनेट एक नहीं बल्कि तीन सूरज से घिरा हुआ है। जब ये प्लेनेट उन तीन सूरज में से किसी एक सूरज का चक्कर लगा रहा होता है, तब इस प्लेनेट पर मौसम स्टेबल रहता है और इसे ही हम स्टेबल एरा कहते हैं। लेकिन अगर इस प्लेनेट को उन तीनों में से किसी भी दूसरे सूरज की ग्रेविटी अपनी ओर खींच लेती है और वो प्लेनेट तीनों सूरज की ग्रेविटेशनल फील्ड का चक्कर लगाता रह जाता है, तब मौसम में गड़बड़ियां होने लगती है और यहाँ केओटिक एरा शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद फिर से किसी सूरज की ग्रेविटी उस प्लेनेट को अपनी ओर खींच लेती है और वो प्लेनेट फिर से उस एक सूरज का चक्कर लगाने लगता है, जिससे फिर से स्टेबल एरा आ जाता है। हालांकि जिन की ये थ्योरी बिल्कुल सही थी, लेकिन ये थ्योरी पोप की समझ से परे थी, इसलिए पोप ने जिन और जैक की जगह बाकी दो प्लेयर्स की थ्योरी को ही सही माना और जिन की थ्योरी को गलत बताकर उसे जिंदा जलाने का आदेश दे दिया। उसे सुनकर पोप के सिपाहियों ने जिन को पकड़ लिया, लेकिन तभी वो फॉलोवर बच्ची अपने घोड़े के साथ आग में जलती हुई वहां आ पहुंची। उसने बताया कि उनकी दुनिया में तीन सूरज निकल आए हैं, जिससे उनकी दुनिया आग में झुलसकर नष्ट हो रही है। उसके ये कहते ही वहां आग का सैलाब आया, जिसने फॉलोवर बच्ची के साथ साथ सारे लोगों को जलाकर राख कर दिया, लेकिन जिन और जैक जिंदा बच गए। इतने में ही तलवार लिए वो लड़की उनके पास आई और कहा, तीन सूरज से निकले आग में जलकर सिविलाइजेशन 157 भी खत्म हो गई, लेकिन तुम ये पता लगाने में कामयाब हो गए कि इस दुनिया के सोलर सिस्टम में तीन सूरज हैं, इसलिए तुम्हें गेम के लेवल 3 में भेजा जाता है। ये सुनकर जिन और जैक अगले लेवल में जाने के लिए तैयार हो गए। इसी दौरान उधर दूसरी ओर क्लेरेंस ने अपने बॉस वेड को वो गेमिंग हेडसेट दिखाते हुए उसे भी गेम के बारे में सब कुछ बताया। उस हेडसेट को देखकर वेड ने पूछा, इंजीनियर्स का इस हेडसेट के बारे में क्या कहना है? इस पर क्लेरेंस ने उसे बताया, इस गेमिंग हेडसेट की टेक्नोलॉजी समझना इंजीनियर्स के लिए भी मुश्किल है, लेकिन उन्हें इसमें कुछ खास कंपोनेंट्स का पता चला है। इस हेडसेट में एक रेटिनल स्कैनर है, एक ऑक्सीजन मीटर है और एक ब्रेन वेव सेंसर भी है, जो इस गेम को खेलने वाले का सारा बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करता है। इससे ये बात पता चलती है कि जब भी कोई प्लेयर इस गेम को खेल रहा होता है, तो कोई और उस प्लेयर का सारा बायोमेट्रिक डेटा जमा कर रहा होता है। ये सुनकर वेड ने अनुमान लगाया कि शायद ये गेम किसी तरह का टेस्ट है, जिसके जरिए किसी खास मकसद के लिए दुनिया भर से इंटेलिजेंट लोगों को चुना जा रहा है। वेड और क्लेरेंस उस गेम के और तह तक जाने की कोशिश में लग गए। इसी दौरान उधर जिन अपना हेडसेट उतारकर गेम की दुनिया से बाहर आ गई। उस वक्त जिन का बॉयफ्रेंड राज उसके घर आया हुआ था। राज इंग्लैंड नेवी में एक बड़े ऑफिसर की पोस्ट पर था। राज जिन को अपनी फैमिली से मिलाने अपने घर ले गया। उधर दूसरी ओर ऑगी अपने लैब में परेशान बैठी थी। उसकी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स चाहते थे कि ऑगी नैनो फाइबर प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करे, लेकिन ऑगी काउंटडाउन के डर से इसके लिए राजी नहीं थी। पर ऑगी की परेशानी ये थी कि वो वर्किंग वीजा लेकर मेक्सिको से लंदन काम करने आई थी। इस बात का फायदा उठाकर उसकी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने उसे धमकी दी थी कि अगर ऑगी नैनो फाइबर्स पर काम नहीं करेगी तो वे उसका वीजा कैंसिल करवा देंगे, जिससे वो लंदन में नहीं रह पाएगी। इस परेशानी से निकलने के लिए ऑगी ने हिम्मत करके लैब को दोबारा शुरू किया, लेकिन बदकिस्मती से लैब के शुरू होते ही ऑगी का काउंटडाउन फिर से शुरू हो गया। ये देख डर के मारे ऑगी के पसीने छूट गए। वक्त रहते उसने फौरन लैब फिर से बंद कर दिया, जिससे उसका काउंटडाउन रुक गया। अब ऑगी समझ चुकी थी कि आए दिन जो साइंटिस्ट्स की आत्महत्या के मामले सामने आ रहे थे, उनकी वजह ये काउंटडाउन ही था। ये काउंटडाउन उनका करियर बर्बाद करके उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर देता था। ये जानने के बाद ऑगी अंदर तक टूट चुकी थी। ऐसे हालात में उसने सॉल को कॉल किया, जिससे वो मन ही मन प्यार करती थी,
लेकिन सॉल हमेशा नशे और रंगरलियों में ही खोया रहता था। सॉल ने जब ऑगी का कॉल रिसीव किया तो उस वक्त भी वो किसी लड़की के साथ था। ऑगी ने फोन पर उस लड़की की आवाज सुन ली, जिसे सुनकर ऑगी का दिल टूट गया और उसने कॉल कट कर दिया। दूसरी ओर जिन जैक के घर आई। जिन गेम का तीसरा लेवल खेलने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित थी। जिन और जैक उसी वक्त गेमिंग हेडसेट पहनकर गेम की दुनिया में आ गए। इस बार वो दुनिया पहले से अलग थी। वे लोग पुराने समय के मंगोलिया साम्राज्य में आ गए थे, जहां उस समय कुबलाई खान का शासन था। वहां उसकी सेना के 3 करोड़ सिपाही अपने हाथों में ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड लिए खड़े थे। जिन और जैक सम्राट कुबलाई खान के महल की ओर जाने लगे। इसी दौरान उन्हें सेना के बीच खड़ी वो फॉलोवर बच्ची भी दिखाई दी। जिन ने उस बच्ची से वादा किया कि इस बार वो उसे जरूर बचा लेगी। इसके बाद वे लोग कुबलाई खान के महल में जा पहुंचे। इस बार भी वहां 2 प्लेयर्स पहले से ही मौजूद थे, जो कुबलाई खान के आगे पहले ही अपनी थ्योरी पेश कर चुके थे। जिन ने भी कुबलाई खान के आगे अपनी थ्योरी पेश की। उसने कहा, जब किसी सोलर सिस्टम में एक ही सूरज होता है और कोई प्लेनेट उस सूरज के चक्कर लगा रहा होता है, तो वो प्लेनेट एक पैटर्न में घूमता है, जिससे वो प्लेनेट किस समय किस जगह पर होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, और इसी वजह से उस प्लेनेट पर कब कौन सा मौसम रहेगा इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे कि हमारे एक सूरज वाले सोलर सिस्टम में पृथ्वी एक पैटर्न में सूरज का चक्कर लगाती है, इसलिए हम पृथ्वी के मौसम का पहले से ही अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्लेनेट 3 सूरज वाले सोलर सिस्टम में हो, तो वो प्लेनेट बिना किसी पैटर्न के उन तीनों सूरज की ग्रेविटेशनल फील्ड के चक्कर लगाता रहेगा, जिससे ये अनुमान लगाना नामुमकिन हो जाएगा कि वो प्लेनेट किस समय किस जगह पर होगा। इस प्रॉब्लम को 3-बॉडी प्रॉब्लम कहा जाता है, जहां 3-बॉडी का मतलब 3 सूरज से है, और ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसका असल दुनिया में भी कोई सलूशन नहीं है। इसी वजह से इस 3 सूरज वाले प्लेनेट पर भी ये अनुमान लगाना नामुमकिन है कि यहाँ केओटिक एरा कब तक रहेगा और कब स्टेबल एरा आएगा। लेकिन बाकी 2 प्लेयर्स ने इस बात को नकार दिया। उनके मुताबिक उन्होंने केओटिक एरा और स्टेबल एरा के आने के समय को कैलकुलेट करने का एक तरीका ढूंढ लिया था, लेकिन इस कैलकुलेशन को करने के लिए उन्हें एक कंप्यूटर की जरूरत थी, जो बदकिस्मती से इस दुनिया में मौजूद नहीं था। लेकिन उन्होंने इसका भी एक नायाब सोल्यूशन ढूंढ लिया था। कंप्यूटर में कैलकुलेशंस करने के लिए बाइनरी नंबर्स यानी कि 0 और 1 का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने 3 करोड़ सैनिकों को एक पैटर्न में खड़ा करके उन सबके हाथ में एक एक ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड थमा दिए। ये ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड 0 और 1 को दर्शा रहे थे। उसे देख जिन और जैक को समझते देर नहीं लगी कि उन 2 प्लेयर्स ने उन सैनिकों से एक विशाल ह्यूमन कंप्यूटर का निर्माण किया था। उन दोनों प्लेयर्स ने अपने ह्यूमन कंप्यूटर का इस्तेमाल करके केओटिक एरा के खत्म होने और स्टेबल एरा के शुरू होने के समय को कैलकुलेट किया और कुबलाई खान को बताया कि अगला केओटिक एरा 3 दिनों बाद शुरू होगा और 8 महीनों तक चलेगा। उसके बाद स्टेबल एरा आएगा, जो 10,000 सालों तक रहेगा। अपने कैलकुलेशन को साबित करने के लिए एक प्लेयर ने समय को 8 महीने और 3 दिन आगे बढ़ा दिया। वो समय बीतते ही मौसम बिल्कुल साफ हो गया। ये देख उन दोनों प्लेयर्स ने कुबलाई खान से कहा कि उनका ह्यूमन कंप्यूटर कारगर साबित हो चुका है, जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ये सुनकर जैक ने जिन से पूछा, क्या इन्होंने सचमुच 3-बॉडी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ निकाला है? इस पर जिन ने कहा, हमारी मॉडर्न साइंस में भी इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं है, इसलिए इनके कैलकुलेशन के सही होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जिन और जैक की बातें सुनकर कुबलाई खान भड़क उठा और उन्हें खौलते पानी में उबाल कर मारने की सजा सुना दी, जिसके बाद कुबलाई खान के सैनिकों ने जिन और जैक को खौलते पानी में फेंक दिया। जैक और जिन गर्म पानी में उबलने लगे। तभी जिन ने पानी के अंदर जाकर सतह पर हाथ रखा और समय को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। समय के आगे बढ़ते ही उन्होंने देखा कि उस दुनिया के 3 सूरज एक लाइन में आ गए। उन 3 सूरज की कंबाइंड ग्रेविटी उस प्लेनेट की हर एक चीज को अपनी ओर खींचने लगी। कुबलाई खान और उसके सारे सैनिक आसमान की तरफ खींचने लगे। इसी दौरान जिन ने उस फॉलोवर बच्ची को बचाने की कोशिश की, पर हर बार की तरह वो नाकाम रही। इससे पहले कि जिन भी सूरज की ग्रेविटी में खींच जाती, जैक उसे पकड़कर महल के अंदर ले आया। उसी पल जिन के दिमाग में एक बात आई। उसने जैक से कहा, इस गेम में हमारा मिशन 3-बॉडी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना नहीं है, क्योंकि इसका कोई सलूशन है ही नहीं। हमारा मिशन तो बस किसी तरह इस दुनिया के लोगों को बचाना है। जिन को ये बात समझ आते ही सूरज की ग्रेविटी का असर खत्म हो गया। इतने में ही तलवार लिए वो लड़की एक बार फिर उनके पास आई। उसने कहा,
सिविलाइजेशन 184 सूरज की ग्रेविटी में खिंचकर खत्म हो गई। तुम लोग उन्हें तो नहीं बचा पाए, लेकिन तुमने ये पता लगा लिया कि तुम्हारा असली मकसद किसी भी तरह इस दुनिया के लोगों को बचाना है, इसलिए तुम्हें लेवल 4 में भेजा जाता है। इसी दौरान दूसरी ओर जिन और जैक को गेम में मॉनिटर कर रहा वो आदमी वहां से उठकर अपने बॉस के पास आ गया। उस आदमी का नाम फिलिक्स था और उसका बॉस कोई और नहीं इवांस ही था, वही बूढ़ा इवांस जो वेरा के फ्यूनरल में आया था। फिलिक्स ने इवांस को बताया, जिन और जैक हमारे गेम में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने अपनी सूझबूझ से गेम का लेवल 3 भी पार कर लिया है। इस पर इवांस ने कहा, फिर तो तुम जल्द से जल्द उन्हें लेवल 4 के लिए इनवाइट करो। ये सुनकर फिलिक्स वहां से चला गया। उसके जाते ही इवांस ने एक फेरी टेल की किताब खोली और सामने रखे माइक्रोफोन स्पीकर पर किसी से बातें करता हुआ उसे कहानियां सुनाने लगा। उस स्पीकर से किसी लड़की की आवाज आ रही थी और इवांस उसे सम्मान पूर्वक मेरे ईश्वर कहकर पुकार रहा था। इवांस कहानियों के जरिए अपने ईश्वर को इंसानों के स्वभाव के बारे में बता रहा था। ईश्वर भी बड़ी ही जिज्ञासा से इंसानों के स्वभाव को समझने की कोशिश कर रही थी। दूसरी ओर सुबह सुबह किसी ने जिन के घर का दरवाजा खटखटाया। जिन उठकर जब बाहर गई तो देखा कि दरवाजे पर कोई उसके लिए एक बॉक्स छोड़ गया था। जिन ने जब उस बॉक्स को खोला तो उसमें एक इन्विटेशन था जिसमें लिखा था, तुम्हें लेवल 4 के लिए इनवाइट किया जाता है, आज रात ठीक 10 बजे सनसेट लाउंज में पहुंच जाना। जिन की तरह ही जैक को भी वो इनविटेशन मिल चुका था। रात होते ही वे दोनों इनविटेशन में दिए गए जगह पर पहुंच गए। वो जगह एक पुरानी बिल्डिंग थी। वहीं बिल्डिंग के बाहर से डिटेक्टिव क्लेरेंस किसी साये की तरह उन पर नजर रखे हुए था। जिन और जैक जब बिल्डिंग के अंदर पहुंचे तो अंदर वही लड़की उनका इंतजार कर रही थी जिसने ऑगी को सितारों के जलने बुझने के बारे में बताया था। उस लड़की ने जिन और जैक को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पूरे इंग्लैंड में सिर्फ वे दोनों ही इस गेम में इतने आगे तक आ पाए हैं। ये सुनकर जैक ने उस लड़की से पूछा, आखिर तुम कौन हो और तुम लोगों ने इतना एडवांस गेम बनाया कैसे? इस पर उस लड़की ने कहा, तुम्हारे जो भी सवाल हैं उनके जवाब तुम्हें लेवल 4 में जाकर मिल जाएंगे। अब तुम दोनों गेम खेलना शुरू कर सकते हो। ये सुनकर जिन और जैक ने अपने अपने हेडसेट पहन लिए और गेम के लेवल 4 में आ गए। इस बार वे एक बीहड़ रेगिस्तान में थे जहां उनके सामने तलवार लिए वो लड़की और वो फॉलोवर बच्ची खड़ी थी। तभी उस बच्ची ने जमीन पर हाथ रखा जिससे जैक और जिन को अपने आसपास कई सारी सिविलाइजेशंस बनती और मिटती हुई दिखने लगी। वो दृश्य दिखाते हुए उस लड़की ने जैक और जिन को एक भयानक हकीकत से अवगत कराया। उस लड़की ने उन्हें बताया, अब तक तुम दोनों गेम में जिस दुनिया को देख रहे थे वो दरअसल हमारी ही दुनिया की नकल थी। हमारा प्लेनेट सचमुच 3 सूरज से घिरा हुआ है और 3 सूरज के कारण हमारी सिविलाइजेशंस न जाने कितने समय से जन्म लेती और मिटती आ रही है, और इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं है। हालांकि हम इस मुश्किल परिस्थिति में भी अपनी प्रजाति को किसी तरह बचाते आ रहे थे, लेकिन हमें पता था कि 3 सूरज की ग्रेविटी के कारण कभी भी हमारे प्लेनेट के 2 टुकड़े हो सकते हैं। हमारा प्लेनेट कभी भी सूरज के अंदर समा सकता है या सूरज उसे अंतरिक्ष में धकेल सकता है। ऐसी स्थिति में अपनी प्रजाति को बचाने का हमारे पास बस यही रास्ता बचा था कि हम अपने प्लेनेट को छोड़कर कहीं और बस्ती बसाने चले जाएं। तभी एक दिन हमें तुम्हारी पृथ्वी से एक इनविटेशन मिला कि हम पृथ्वी पर बस्ती बसाने आ सकते हैं। वो इनविटेशन मिलने के बाद हमने 1000 विशाल स्पेसशिप्स का निर्माण किया और पृथ्वी की तरफ रवाना हो गए। हम लोग अब भी पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जब हम पृथ्वी पर पहुंचेंगे तो तुम लोग हमें जरूर अपना लोगे। इसी के साथ जिन और जैक गेम से बाहर आ गए। वो दोनों घबराए हुए थे। जिन ने उस लड़की से पूछा, गेम के अंदर उस लड़की ने जो कुछ भी बताया क्या वो सब सच है? इस पर उस लड़की ने बताया, ये सब सच है। उन एलियन सिविलाइजेशन को हम सांटी कहते हैं। वे लोग हमारे लिए ईश्वर हैं जो हमारी दुनिया को खूबसूरत बनाने यहाँ आ रहे हैं। उन्हें जिसने पृथ्वी पर आने का इनविटेशन भेजा था वो चाइना की एक साइंटिस्ट थी। दरअसल वो लड़की चाइना की जिस साइंटिस्ट की बात कर रही थी वो और कोई नहीं येवेंजी ही थी। उस लड़की ने आगे बताया, सांटी अभी पृथ्वी से 4 लाइट ईयर्स दूर हैं, जिस कारण उन्हें पृथ्वी पर पहुंचने में अभी 400 साल लगेंगे। वे हमें सालों से गाइड करते आ रहे हैं और उनकी मदद से ही हमने ये गेमिंग हेडसेट्स बनाए हैं ताकि वे लोग इसके जरिए हमें अपनी कहानी बता सकें। ये सुनकर जिन ने उस लड़की से पूछा, क्या वे एलियंस हमारी तरह दिखते हैं? इस पर उस लड़की ने कहा, उन्होंने इस गेम के कैरेक्टर्स को इंसानों के मुताबिक बनाया है ताकि हमें उनसे इंटरेक्ट करने में आसानी हो,
लेकिन वो असल में कैसे दिखते हैं ये कोई नहीं जानता। लेकिन उस लड़की की ये सारी बातें सुनकर जैक उस पर भड़क उठा। उसने कहा, मैं समझ चुका हूँ, ये एक स्कैम है। तुम लोग एलियन का नाम लेकर और कुछ कंप्यूटर ग्राफिक्स दिखाकर हमें बेवकूफ बना रहे हो ताकि तुम किसी तरह से हमारे पैसे हड़प सको। ये कहकर जैक ने अपना हेडसेट उस लड़की को वापस कर दिया और वहां से चला गया। लेकिन जिन जानती थी कि उस लड़की की बातों में कुछ तो सच्चाई है, क्योंकि उस गेमिंग हेडसेट की एडवांस टेक्नोलॉजी उनके समय से कहीं आगे थी, और ऐसी टेक्नोलॉजी तो केवल एलियंस ही बना सकते थे। और साथ ही सितारों का जलना बुझना और उनके विज्ञान में गड़बड़ी आना, ये सब भी एलियंस ही कर सकते थे। इसलिए जिन इन सब के बारे में और जानने के लिए वहीं रुकी रही। इसके बाद उस लड़की ने जिन को एक और इन्विटेशन दिया और बताया कि उनके ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें वे लोग शामिल होंगे जिन्होंने जिन की तरह उस गेम के सारे लेवल को पार कर लिया है। वहां आकर जिन भी उनके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकती है। जिन ने उस लड़की से कहा कि वो मीटिंग में जरूर शामिल होगी। ये कहकर जिन वहां से चली गई। कुछ देर बाद जैक भी अपने घर पहुंच गया। वहीं डिटेक्टिव क्लेरेंस भी जैक के पीछे उसके घर तक पहुंच चुका था और दूरबीन से उस पर नजर रखे हुए था। तभी उधर जैक के फोन का सिग्नल चला गया। जैक सिग्नल की तलाश में जब ऊपर वाले कमरे में आया, तभी अचानक उसने देखा कि वो लड़की उसका पहले से ही वहां इंतजार कर रही थी। अगले ही पल उस लड़की ने जैक की गर्दन पकड़ ली। हालांकि वो कमरा ट्रांसपेरेंट था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से क्लेरेंस को ना तो वो लड़की दिख रही थी और ना ही जैक। उस लड़की ने जैक से कहा, तुमने गेम छोड़कर अच्छा नहीं किया। ये कहकर उस लड़की ने जैक की गर्दन पर खंजर घुसा दिया, जिससे जैक ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। जैक को मारने के बाद वो लड़की वहां से जाने लगी। वहीं जैक के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे पर ये सारी घटना रिकॉर्ड हो रही थी, पर वो लड़की किसी जादू की तरह कैमरे से गायब हो गई। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो गया। क्या सचमुच कोई एलियन सिविलाइजेशन पृथ्वी पर आने वाली है, या इन सबकी आड़ में कोई खतरनाक षड्यंत्र रचा जा रहा है? जानने के लिए देखना ना भूलें रहस्यों से भरी इस कहानी का अगला एपिसोड। कहानी का अगला एपिसोड आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।